अस्सलामुअलैकुम। रहमतों और बरकतों वाला महीना शुरू होने में सिर्फ चंद रोज ही रह गए हैं और ये घर का है कि किचन में रमजान मेन्यू की तैयारियां भरपूर तरीके से हो रही हैं। कल के रमजान मेन्यू के अपडेट में मैंने आपको दिखाया था दही भल्ले, चिकन चॉप्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन, चिकन टेंडर्स और सुपर स्टफ एग रोल्स। आज की अपडेट थोड़ी डिफरेंट है। आज के अपडेट में मैं आपको बताऊंगी कि जो चीजें मैं प्रोवाइड करूंगी आप उसको घर में कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन आप थोड़े से परेशान होंगे कि ये भिंडिया क्यों से रखी है, टमाटर भिंडी भी बेचना शुरू कर दिए। ये हमारी घर की उगी हुई भिंडी है, आप चेक करें, ये देखें, ये घर की उगी हुई भिंडी और ये टमाटर, और इसी के साथ मैंने अभी होल व्हीट पास्ता बनाना है और जो मैं डिश आपको दिखाऊंगी जो हम लोग फ्रोजन दे रहे हैं उसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो गुरु हो जाओ शुरू। ये देखें, ये हम लोगों ने बनाए हैं चिकन ड्रमस्टिक्स और ये हाफ डन है। आप इसको चाहे बेक कर सकते हैं, चाहे आप इसको दोबारा से फ्राई कर सकते हैं। उसके साथ हम लोग दे रहे हैं स्टफ चिकन। ऐसे स्टफ चिकन हम लोग रैप करके आपको देंगे और आप इसको फ्राई करें, एयर फ्राई में करें, बेक करें, एनी वे यू वॉन्ट। आपका काम मैंने बिल्कुल आसान कर दिया है। लिफाफे में से, रैप में से आपने खोलना है और इसको इस तरह लेना है और आपने इसको फ्राई करने डाल देना है। इसी तरह आपने एक ड्रमस्टिक्स भी लेना है और उसको साथ ही फ्राई करने डाल दें। सिंपल। मुझे किसी ऑयल कंपनी ने स्पॉन्सर नहीं किया हुआ, वरना मैं ऑयल कंपनी का नाम लेती और ऑयल कंपनी की बोतल भी रख देती। ड्रमस्टिक्स इज ऑलरेडी हाफ डन, तो इसको आपने सिर्फ कलर देना है, ठीक है। कलर आपने क्या देना है, प्लीज बिल्कुल बॉइलिंग उसमें नहीं डालना, आपने इतना का ऑयल डालना जो मीडियम हो ताकि उसके अंदर इसका गोल्डन कलर, ना कि डालते साथ ही काला रंग आ जाए। ये देखें, देखिए कैसा ये कुक हो रहा है। इतना आपका ऑयल होना चाहिए कि ये कुक हो, रादर देन डालो और बिल्कुल काला हो जाए, इस तरह नहीं। मैं दोबारा ये कहूंगी कि मेरा काम सिर्फ ये नहीं है कि मैं अपना मेन्यू भर दूंगी, ये चीज मैं प्रोवाइड करूंगी, ये चीज करूँ। मेरी कोशिश है कि वो चीज प्रोवाइड करूं जो कि बाजार में नहीं मिल रही है। ये देखें जी कलर कितना खूबसूरत आया, ये देखें जी कितना खूबसूरत कलर आया। और आपने ऐसे ही इसको करना है और सब थोड़ी देर रेस्ट देना है बिफोर कटिंग, यू हैव टू रेस्ट। ये देखें जी, अब मैं आपको थोड़ा दिखाती हूँ और प्लीज बुरा ना मानिएगा, मैंने बहुत अच्छी तरह हाथ धोए में। ये देखें, इट्स ऑल चिकन, इट्स नॉट दैट कि हम लोगों ने इसको कॉर्नफ्लावर और उसके साथ में सिर्फ गुच्छा बना दिया है, ये सारे चिकन पीसेज है इसके अंदर। ये देखिए सारे चिकन पीसेज है। दो चार मिनट रेस्ट के बाद अब हम इसको काटेंगे। आप इसकी स्टफिंग चेक करें, ये देखें, चीजी विद वेजिटेबल्स, जस्ट लुक एट दिस, दिस इज सो गुई। ये देखें, ये पोलो चिकन है और इसको सर्व करने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ, ये इंक्लूडेड नहीं होगा। ये आपको सिर्फ मैं एक आइडिया देने के लिए कि आप किन किन चीजों के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। तो जी ये पोलो चिकन मैं सर्व कर रही हूँ विद पास्ता, ये देखें, ये This is how you can serve at home. उम्मीद करती हूँ कि अभी तक मैंने जितना भी रमजान मेन्यू आप लोगों के साथ शेयर किया आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। कल मैं और चीजें लेके आप लोगों के साथ, आप लोगों के सामने हाजिर होंगी। हम इंशाल्लाह 20 अप्रैल जो कि पीर का दिन बनता है रमजान मेन्यू की बुकिंग शुरू कर देंगे। साथ ही मैं आपको याद करा दूं कल हमारी लाइव चिट चैट है आना कारदार के साथ शाम 7:30 बजे।